हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्तर वैदिक काल के समाज का अध्ययन करेंगे। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग्वेद का काल माना जाता है। इसके पश्चात लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इस काल में कई ग्रंथों की रचना हुई, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण आदि। इन ग्रंथों में जिस समाज का वर्णन मिलता है, उस समाज को हम उत्तर वैदिक समाज कहते हैं। यह समाज मूलतः एक एग्रेरियन हायरार्किकल सोशल ऑर्डर को दर्शाता है, अर्थात एक कृषिगत पदसोपानिक सामाजिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। लिविंग ट्राइबल ट्रेड्स बिहाइंड एंड अडॉप्टिंग फार्मिंग इम्पीरियल सोशल ट्रेड्स, यानी कि यह समाज ऋग्वेद के जो जनजाति समानता का भाव था उसको छोड़कर एक कृषिगत समाज के ऊंच नीच और विषमतापूर्ण समाज को अपनाता है। इसमें साम्राज्य की जो सामाजिक व्यवस्था होती है, अर्थात विशेषाधिकारों से पूर्ण सामाजिक व्यवस्था, उसको अपनाए जाने के लक्षण दिखते हैं। तो इस सामाजिक व्यवस्था की मूल विशेषताएं क्या क्या थीं, उनको हम एक के बाद एक देखते हैं। पहला सबसे पहली विशेषता थी कि इस काल में हम देखते हैं कि पहली बार चार वर्णों की स्थापना हो गई थी। चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इस चार वर्णों का सर्वप्रथम जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह 10वां मंडल पुरुष सूक्त कहा जाता है। इसमें माना गया है कि विराट पुरुष के अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। हालांकि इतिहासकार इसे एक क्षेपक मानते हैं। क्षेपक यानी कि इंटरपोजिशन। क्षेपक वह होता है जो किसी भी ग्रंथ में बाद में जोड़ा जाता है। बाद के काल की वो रचना होती है किंतु किसी प्राचीन ग्रंथ में जोड़ दी जाती है, ताकि उस बात को प्राचीनता दिलाई जा सके। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि समाज के चारों वर्णों का जन्म विराट पुरुष के अंगों से हुआ, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण का, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय का, उसके उदर से वैश्य वर्ण का और उसके जंघों से शूद्रों का जन्म हुआ। आखिर इस तरह की विराट पुरुष से इन वर्णों को, इस सामाजिक व्यवस्था को जोड़ने का क्या कारण था? इसके दो कारण समझ में आते हैं। पहला कारण कि एक तो रिलीजियस एंड सेरेमोनियल सैंक्टिटी, यानी कि हम जब विराट पुरुष से इसे जोड़ दिया जाएगा तो यह जो वर्ण व्यवस्था है, जो वर्ण विभाजन है, जो सामाजिक विभाजन है, उसे एक दैवी आधार मिल जाएगा। उसे लोग ये नहीं कह सकते कि अरे तुमने बनाया, इसे हम क्यों माने। वरन ये तो दैव निर्मित हो गया, और दैव निर्मित चीज़ों को न मानने का अधिकार इंसान को नहीं होता है, ऐसा उस काल की परंपरा थी। इसका दूसरा निहितार्थ ये था कि जो वर्ण है उनके बीच के अस्तरीकरण को, उनके बीच के ऊंच नीच को स्पष्ट कर दिया जाए। जैसे शरीर के अंग ऊपर से नीचे होते हैं, वैसे ही इन चारों वर्णों को ऊपर से नीचे सजा दिया गया। उनके कार्यों को बहुत हद तक इससे निश्चित करने की कोशिश की गई। तो इस प्रकार इस विराट पुरुष को उपयोग में लाया गया वर्णों को बताने के लिए। और इसमें हम एक एक वर्ड को सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला वर्ड ब्राह्मण है। ब्राह्मण ये सुप्रीम पोजीशन था इसका। ये मूलतः पढ़ने पढ़ाने, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था, और भिक्षा देने यानी पठन पाठन, यजन याजन, ये चार कार्य ब्राह्मणों के बताए गए हैं। ब्राह्मणों ने इतनी सर्वोच्च स्थिति क्यों, कैसे प्राप्त की? इसमें सबसे पहली व्याख्या है कि जो यज्ञ होता था, उस यज्ञ को कराने का अधिकार एकमात्र ब्राह्मणों को था, और यज्ञ में काफ़ी मात्रा में दान मिलता था,
साथ ही उन्हें आध्यात्मिक रूप से बहुत सारी समाज में शक्ति मिलती थी, समाज में सम्मान मिलता था। इसके कारण ब्राह्मण धीरे धीरे सर्वोच्च पद पाने लगे, समाज में उनका महत्व काफ़ी बढ़ गया। वो इन कार्यों के साथ सामान्य जनता तथा राजाओं को भी विभिन्न प्रकार के रिचुअल्स संस्कारों को करने में सहायता देते थे। इस काल में बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध। इसमें बहुत बड़ी संपत्ति राजा द्वारा ब्राह्मणों को दान दी जाती थी। साथ ही यज्ञ में समाज का हर वर्ग आता था और अपनी क्षमता के अनुसार दान देता था। इस दान के कारण ब्राह्मणों की स्थिति सशक्त होती है और समाज में उन्हें सर्वोच्च स्थान मिलता है। सामाजिक पद सोपान में दूसरा वर्ड आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द का अर्थ है वह व्यक्ति जो क्षेत्र पर अधिकार करता है। हालांकि क्षेत्र पर अधिकार करने वाले और शासक वर्ग ऋग्वैदिक काल में भी थे, किंतु इस काल में अंतर क्या होता है, लोहे का प्रयोग होने लगता है। तो लोहे के हथियार जब प्रयोग होने लगते हैं तो जो योद्धा होते हैं वो अन्य सामान्य जनता से, जो लोहा उस समय काफ़ी कीमती धातु थी, उसको वो प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो उनके ऊपर अपनी शक्ति के बल पर अपना शासन आरोपित कर सकते थे, उनके अधिशेष को वो छीन सकते थे। तो इस प्रकार राजाओं की शक्ति काफ़ी बड़ी और इस कारण से क्षत्रिय वर्ग समाज में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वर्ग के रूप में स्थापित हो गया। तीसरा वर्ण है वैश्य। वैश्य उस काल का एकमात्र उत्पादक वर्ग था। शतपथ ब्राह्मण में इसे अनश्य वलीकृता कहा गया है, यानी कि अन्न को उत्पादित करने वाला और उसका बलि के रूप में राजा को कर देने वाला, अनश्य बलीकृता। तो ये तीसरा वर्ड था, ये भी समाज में काफ़ी महत्वपूर्ण था। अपने महत्व के कारण ही इन तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता था। द्विज क्या होता है? द्विज का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। ये तीनों वर्ण माने जाते थे कि दो बार जन्म लेते हैं, एक बार इनका प्राकृतिक जन्म होता है और दूसरी बार जब इनका यज्ञोपवीत होता है तो फिर इनका दूसरा जन्म होता है, सामाजिक जन्म। इस कारण से इन्हें द्विज कहा जाता था। अब अंतिम वर्ण था समाज का शूद्र। शूद्र ये समाज में सबसे निचले पद सोपान पे आता था। हमने ऋग्वैदिक काल के वीडियो में देखा कि इस वर्ड की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी। ऊपर के तीनों वर्ड ही ऋग्वैदिक समाज में पाए जाते थे। एक चौथा वर्ड दास एवं दस्युओं का था, हालांकि उसे वर्ड के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, एक समूह के रूप में मान्यता दी गई है। तो शूद्र वर्ण का कार्य चारों वर्णों की सेवा करना था। अब सवाल ये उठता है कि इस काल में वो कौन कौन से कारण थे जिनके कारण शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। इतिहासकारों ने इसकी दो व्याख्याएं दी हैं। पहली व्याख्या जो है वो ये कहती है कि ऋग्वैदिक काल के जो दास थे वो दास ही अंततः इस काल में शूद्रों के रूप में कन्वर्ट हो गए और अपने श्रम के द्वारा ऊपरी तीनों वर्णों की सेवा करते थे और जीवन यापन करते थे। दूसरी व्याख्या जो कि कुछ अधिक ही होलिस्टिक एंड कंपोजिट है, वो मूलतः आर्य शर्मा का ग्रुप देता है। वो कहता है कि द्विज जो पीपल थे उनमें भी कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति एक लंबे अंतराल के कारण गिरी। जाहिर सी बात है सबकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं रह सकती हमेशा, तो जिनकी आर्थिक स्थिति गिरी कुछ लोगों ने सेवा का काम अपना लिया। उनका काम हो गया कि वो लोगों की सेवा करें, सर्व द पीपल, और अपनी आजीविका उससे वो चलाने लगे। धीरे धीरे ये वर्ग ही शूद्रों में कन्वर्ट हो गया। तो इनफैक्ट ये दोनों इंटरप्रिटेशन सही है, कुछ दास आए थे और कुछ जो द्विज क्लास था वो था दास प्लस द्विज, इन दोनों का मिश्रण शूद्र था। शूद्र कोई बाहर से आरोपित या सिर्फ पराजित वर्ग नहीं था, एक कंपोजिट प्रोसेस का परिणाम था शूद्र वर्ग की उत्पत्ति।
हालांकि ये सामाजिक विषमता थी, समाज कई वर्णों में बंटने लगा, उनमें ऊंच नीच का भाव काफ़ी आ गया, इसके प्रति असंतोष भी हमें देखने को मिलता है। यह असंतोष मूलतः हमें अरण्यकों उपनिषदों में देखने को मिलता है। अरण्यक जंगल में लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ होते थे, जबकि उपनिषद वैदिक दर्शन का सर्वोत्तम स्तर है। तो उपनिषदों ने भी इस सोशल ऑर्डर को कोई ठोस चुनौती नहीं थी, उन्होंने इस सामाजिक विषमता की बजाय एक आध्यात्मिक समानता की बात की। यानी समाज में समानता वो ला नहीं पाए, उन्होंने क्या कहा कि नहीं चलो ठीक है, यहाँ तो हम नहीं ला पाते, किंतु ब्रह्मलोक में मृत्यु के बाद या ब्रह्मा के समक्ष, परमात्मा के समक्ष सभी आत्माएँ हैं और सभी आत्माएँ हैं इसलिए सभी समान हैं, जो कि अद्वैतवाद का चिंतन है। तो इस अद्वैतवाद का चिंतन आगे शंकराचार्य बढ़ाएंगे। तो इसी बात को सिद्ध करते हुए छंदोग्य उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्मलोक में सभी लोग समान हैं, एवरीवन इज इक्वल इन ब्रह्मलोक। तो इस तरह चार वर्णों में विभाजित हो गया था, हालांकि वर्ण विषमता के प्रति एक विद्रोह और वितृष्णा का भाव भी इसी काल में उत्पन्न होने लगा था। इसकी आगे चलकर अधिक मूर्त अभिव्यक्ति बौद्ध जैन एवं अन्य अवैदिक धर्मों की उत्पत्ति में देखी जाएगी। फिलहाल वैदिक धर्म वैदिक समाज की उत्तर वैदिक समाज की दूसरी जो विशेषता है वो है फैमिली एंड पैट्रियार्की। यानी कि जो फैमिली का सिस्टम था वो कैसा था, जाहिर सी बात है इस काल में ज्वाइंट फैमिली ही मिलती थी मेनली, परिवार के कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी। पावर ऋग्वैदिक काल की तरह हाउस होल्ड के जो चीफ होते थे, जो कि पिता या सबसे बड़ा भाई होता था, उनमें ही निहित थी। चीफ की शक्तियां इस काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में बढ़ जाती हैं, यानी कि अब पिता अधिक शक्तिशाली हो गया। अभी भी पिता में स्नेह आदि के गुण हैं, वो परिवार के सदस्यों की देखभाल करता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्था जब स्थापित हुई तो इसके कारण पिता की शक्तियां समाज के द्वारा और अधिक परिवार के अन्य सदस्यों पर अध्यारोपित कर दी गई। अब पिता किसी भी सदस्य को, किसी भी व्यक्ति को या अपने परिवार के सदस्य को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकता था, प्रॉपर्टी राइट्स छीन सकता था। इसका उदाहरण हमें मिलता है विश्वामित्र जो हैं, उन्होंने क्रोधित होकर अपने 50 पुत्रों को घर से बाहर निकाल दिया था और अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। तो इस प्रकार ये पितृसत्तावादी समाज ही था। पैट्रियार्की इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये लिखना थोड़ा ज़रूरी होता है एग्ज़ाम में। पैट्रियार्की की व्यवस्था थी, तो ये और पैट्रियार्की स्ट्रेंथेन हो गई थी पैट्रियार्की। और अब हम देखें कि जब पैट्रियार्की स्ट्रेंथेन होती है तो उसका नेचुरल रिजल्ट क्या होता है विमन की कंडीशंस में, उनकी कंडीशन एक्सबेट करती है, बिगड़ती है और उनकी दशा गिरती है। तो जाहिर सी बात है औरतों की दशा इस काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरी। आप देखेंगे बाद के कालों से अच्छी है, किंतु ऋग्वैदिक काल की तुलना में इनकी स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि सारे दुखों का कारण स्त्रियां हैं, गर्ल चाइल्ड के जन्म को ही उसमें दुख का कारण माना गया है। अब महिलाओं को समाज की कई संस्थाओं से बहिष्कृत भी किया जाने लगा। सभा जो ऋग वैदिक काल की एक महत्वपूर्ण नीति निर्माणकारी संस्था थी, उससे महिलाओं को बाहर कर दिया गया। महिलाओं को अब उपनयन का अधिकार नहीं था। मैत्रायणी संहिता में उनकी तुलना वाइन एंड गैम्बलिंग, दूत और मद्यपान से की गई है। यानी कि शराब और ये जुआ जितना बुरा होता है, महिलाएं भी इस काल में उतनी ही बुरी माने जाने लगी थी। तो इस तरह उनकी दशा ओवरऑल गिरती है। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है, हालांकि उनकी दशा गिरती है, किंतु यह मान लेना कि वो सारे अधिकारों से वंचित हो गई या अपने निम्नतम स्तर पे है, ये गलत होगा। हम देखते हैं कि विमेन को इस काल में कई अधिकार अभी रहते हैं, जैसे एजुकेशन,
उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। कई विदुषी महिलाएं इस काल में भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे गार्गी है। गार्गी ने तो यहाँ तक कहा जाता कि याज्ञवल्क को संवाद में पराजित कर दिया। तो रियली अ ग्रेट स्कॉलरशिप गार्गी के अंदर था और इस तरह की महिलाएं उस काल में पाई जाती थी। अभी भी जो विवाह की उम्र थी वो अधिक ही थी, बाल विवाह का प्रचलन नहीं हुआ था, तो ये एक अच्छी बात थी। अभी महिलाओं की दशा में बाल विवाह बहुत बड़ा अवरोध उत्पन्न करता है, बाल विवाह नहीं शुरू हुआ था। यज्ञ आदि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अभी भी महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। इस तरह महिलाओं को पूरी वंचना नहीं मिली थी, अभी वो बेहतर स्थिति में थी। हालांकि जो समानता की स्थिति उन्होंने ऋग्वैदिक काल में प्राप्त की थी, उस समानता की स्थिति से अब उनकी स्थिति में गिरावट देखी गई, और इसका कारण था पितृसत्तावाद का मजबूत होना। इसी काल में गोत्र की उत्पत्ति होती है। गोत्र संस्कृत के गोष्ठ शब्द से बना है। गोष्ठ वह स्थान होता था जहाँ कई लोगों की गायें एक साथ बांधी जाती थी, यानी जिन लोगों की गायें एक साथ एक जगह बांधी जाती थी वो एक गोत्र के सदस्य माने गए थे। हालांकि गोत्र बहिर्गमन की शुरुआत नहीं हुई थी, एक्सोगेमी की शुरुआत नहीं हुई थी, अर्थात समान गोत्र के लोग एक दूसरे में शादी विवाह का संबंध स्थापित कर सकते थे। इस कारण अभी यह बेहतर स्थिति में समाज था। इस काल में हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति होती। ये वैदिक आर्यों की अभिनव सोच का परिणाम था, जिसमें सामाजिक दायित्वों और व्यक्ति के निजी दायित्व अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। हमारे ग्रंथों में हमारी वैदिक मनीषा यह मानती है कि व्यक्ति वस्तुतः उस आत्मा की लंबी यात्रा में एक पड़ाव मात्र है, एक विश्राम है, एक ठहराव है। आश्रम का अर्थ ही होता है जहाँ श्रम का ठहराव हो। तो ये विभिन्न जो आश्रम है उसमें व्यक्ति को रुककर आगे की यात्रा की तैयारी करनी है, व्यक्ति अर्थात आत्मा को। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम की परिकल्पना की गई। इस आश्रम में व्यक्ति को धर्म की शिक्षा लेनी होती थी। चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो व्यक्ति को धर्म की शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त करनी है। गृहस्थ आश्रम में उस धर्म के अनुसार अर्थ और काम पुरुषार्थों को प्राप्त करना होता है। ये दूसरा आश्रम है, इसको महाभारत में सर्वोत्तम आश्रम की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सभी वर्णों का दायित्व इसी आश्रम पे था। पंच महायज्ञ और त्रिऋण से मुक्ति इसी आश्रम में मिलती है। पंच महायज्ञ और त्रिऋण किसी अगले वीडियो में डिटेल से। वानप्रस्थ आश्रम तीसरा आश्रम था। यह वह आश्रम है जब आपको समाज में जो लगाव है उस लगाव से हटकर विमुक्ति की ओर जाना है, यानी कि प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर प्रयाण का यह आश्रम है। इसमें आप प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर प्रयाण की तैयारी करते हैं, यानी अंततः आपको मोक्ष की ओर गमन कर जाना है। मोक्ष की ओर गमन के लिए अंतिम आश्रम होता है संन्यास, लेकिन इस काल में संन्यास की उत्पत्ति नहीं हुई थी। संन्यास की उत्पत्ति न होने के कारण इसमें एक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक बताया जाता है, वो ये है कि इस काल की अर्थव्यवस्था उतना अधिक सरप्लस नहीं दे सकती थी कि संन्यास को ये प्रश्रय दे सके, क्योंकि जब हर व्यक्ति को खाने के लिए श्रम करना पड़ेगा तो फिर संन्यास कौन ले सकता है, भिक्षा कौन देगा किसी को जब उसके खाने से ज़्यादा अन्न है ही नहीं। तो सबसे पहले तो अब खाने से ज़्यादा अन्न होना चाहिए ना, तब तो किसी को आप दान देंगे। तो इस कारण ये जो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी थी, जो आजीविका की अर्थव्यवस्था थी, इसके कारण इस काल में संन्यास आश्रम का उद्भव नहीं। संन्यास आश्रम का उद्भव आगे आप देखेंगे महाजनपद काल में होता है, जब लोहे के प्रयोग के कारण अर्थव्यवस्था पर्याप्त अधिशेष उत्पन्न करने लगती है तो संन्यास और संन्यासियों की उत्पत्ति होती है।
हम देखेंगे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म से लेकर जितने भी धर्म हैं सब संन्यास की बात करते हैं, सब भिक्षुओं की बात करते हैं, क्योंकि अनाज पर्याप्त था। अब इस काल की अगली विशेषता देखते हैं, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम आप लोग सब जानते हैं, गुरुकुल व्यवस्था थी। एजुकेशन वर्ण के आधार पर दी जाती थी, यानी ब्राह्मणों को वेदों की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा, धर्म की शिक्षा दी जाती थी, नीति की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों को युद्ध, युद्धास्त्रों, शास्त्रों, नीति, निर्णय आदि करने की जो विशेष क्षमताएं होती थी, जो राजकाज में जरूरी है, वो दी जाती थी। तो इसी तरह वैश्य वर्ण को जो शिक्षा दी जाती थी वो रोज़मर्रा में काम आने वाले गणित आदि विषयों की दी जाती थी। शूद्रों को शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, शूद्राज को कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, वो अभी से आउटकास्ट हो चुके थे। अब नेक्स्ट इसके ट्रेड को देखते हैं, फूड एंड एंटरटेनमेंट, यानी कि इस काल में लोगों का खाना क्या था। जाहिर सी बात है, सीमित मात्रा में कृषि हो रही थी और पशुपालन मुख्य था, तो खूब सारा दूध, दही, घी आदि पकवान बनते थे। खीर पाक आदि इनके भोजन के मुख्य अंग थे, घी का प्रयोग होता था। अनाजों में यव, गोधूम यानी गेहूँ, यव, जव, ब्रीह, चावल आदि को प्रमुखता दी गई थी। चावल इस काल में काफ़ी प्रचलित था, इसे काफ़ी शुद्ध अंग माना जाने लगा था, इसे ब्रीह कहते हैं। और एंटरटेनमेंट के लिए इनके कुछ साधन थे, जैसे कि द्युत और रथ दौड़ जैसे मनोरंजन के साधनों का प्रचलन मिलता है। तो ये वैदिक, उत्तर वैदिक समाज की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अब एक बार समअप कर लें तो उत्तर वैदिक समाज एक कबीलाई समाज को एक कृषि समाज में बदलने को दर्शाता है। इसमें धीरे धीरे सामाजिक विषमता बढ़ रही है, चार वर्णों की पूर्ण स्थापना हो जाती है, वर्णों में पद सोपानी क्रम भी आ जाता है, और वर्णों में पद सोपानी क्रम भी आ जाता है, और साथ ही महिलाओं की स्थिति गिरती है, आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। हालांकि इस काल में 3 ही आश्रम आए थे। ये इसका समअप है। ओके, थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।